बिहार में अमित शाह के दो दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह ऐतिहासिक बूढ़ी काला माता मंदिर गए अमित शाह। पूजा अर्चना और आरती करने के बाद लिया देश के लिए संकल्प। आपको बता दें, ये मंदिर 100 साल पुराना है। इस मंदिर की खास बात ये है कि एक नवाब ने इस मंदिर के लिए जमीन दी थी और इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है ये मंदिर। बूढ़ी काला माता दर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेपाल बॉर्डर पर मौजूद फतेहपुर एसएसपी कैंप पहुंचे, जहां अमित शाह ने एसएसबी की 5 सीमा चौकियों का उद्घाटन पर जवानों को संबोधित किया। शाह ने अपने संबोधन में जवानों की तारीफ करते हुए सुरक्षा बलों के योगदान को याद किया। उन्होंने जवानों के साथ लंच भी किया। तो कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी वो नागरिकों का मदद करते हैं, आपदा के समय राहत और बचाव के काम में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जब जो चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग के तत्वाधान में निष्पक्ष हो, इसके लिए भी हमारे सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दोपहर में बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के महानिदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। ये बैठक बीएसएफ कैंप में आयोजित की गई। किशनगंज में अमित शाह माता गुजरी विश्वविद्यालय भी पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार के बीजेपी जिला कोर कमेटी के साथ बैठक की। इसके बाद अमित शाह ने आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित सुंदर सुभूमि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपका विकास होगा तभी देश का विकास होगा, आपके विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं। मगर क्या काश में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे देश को महान बनाने की इस प्रक्रिया में और तेजी आए, और गति आए। और जब देश महान बनता है तो हम सब महान बनते हैं, क्योंकि भारत महान बनता है तो भारतीय महान। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव शनिवार को दिल्ली पहुंचे। वो नीतीश कुमार के साथ रविवार को सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर जुबानी हमला बोला है। नीतीश जी और मैं दोनों आज सोनिया गांधी से मुलाकात होगी सर। हाँ। विपक्षी एकता की पूरी कोशिश है आप? हाँ, पूरा कोशिश है। तो क्या सफल हो पाएंगे? मुद्दा क्या रहेगा सर मुलाकात का? विपक्षी लोगों को बनाए रहने का। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगा सर 24 में? फेंकेंगे, बोल चुका है कितना बार। सर अमित शाह बिहार दौरे पर है, अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं, उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया और 24 में भी सफाया होने वाला है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं जंगल राज, ये राज, वो राज। आई गुजरात में जब थे तो क्या किए थे? अपना नहीं, जंगल राज आ जाएगा बिहार में फिर? नहीं, उनका जंगल राज था गुजरात में जब थे। वो कह रहे हैं 25 में भी बीजेपी सरकार बनेगी, 24 में मोदी की सरकार बनेगी, बोल रहे हैं तो देख लेंगे ना किसकी सरकार। सवाल है सर की नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा, बोल रहे हैं कि लालू यादव को एक बार फिर से छोड़ के बीजेपी के साथ आ जाए। बिल्कुल विश्वास हम लोग इकट्ठा हो गए हैं, नीतीश साथ है तो बहुत अच्छा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि अमित शाह ने नौकरी जैसे जरूरी मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोला। साथ ही तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 2 महीने में लाखों नौकरी दी है। उनको नौकरी के बारे में बात करें कि हमारी सरकार तो अब तैयारी हो गई है, हम नियुक्ति पत्र भी बांटना शुरू कर दिए और आने वाले समय में खाली स्वास्थ्य विभाग 1,00,000 नौकरी देने जा रहे हैं, शिक्षा विभाग 2,00,000 नौकरी, शिक्षा विभाग देने जा रहे हैं 1,00,000 सिपाही में बाहरी होने जा रहे हैं। बताओ कि बड़ा काम हम लोग कर 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इन लोग 8 साल में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी 16 करोड़ रोजगार के बारे में अमित शाह क्यों नहीं बोले? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से एक फर्जी वेबसाइट को बिहार से चलाया जा रहा था। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से ही लोगों की नकल करके फर्जी वेबसाइट बनाई गई और धोखाधड़ी से करीब 1,32,000 रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ।
बिहार के शेखपुरा में युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वेबसाइट को बंद करवा दिया गया है। सीबीआई ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचआईए के सीजीएम को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पटना सीजीएम के 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में करीब 60 लाख रुपए कैश बरामद किया। सीजीएम के साथ ही कंपनी के 2 और कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया। यही दोनों कर्मचारी रिश्वत देने पहुँचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे शशि थरूर। आपको बता दें, इसके लिए 30 सितंबर तक पद के लिए नामांकन भरा जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 1 अक्टूबर को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर होगी। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को चुनाव होंगे। मतगणना और चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।